हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार जी। कैसे हैं फ्रेंड्स? आज मैं आपको एक खूबसूरत लीव्स वाले प्लांट से मिलाने जा रही हूँ। जैसे कि हम सबको पता है कि फ्रेंड्स समर्स हैं, और समर्स में हमारे पास जो पौधे होते हैं वो गिने चुने होते हैं, और जो फ्लावर्स के जो प्लांट होते हैं वो भी। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो पौधा देख रहे हैं आप, इसमें कितने खूबसूरत कलर हैं, और इसकी जो लीव्स है वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। लग रही है ना फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, ये भी कोलियस है, और मैंने इसको ऐसी जगह लगा रखा है जहाँ पर इसको कम से कम 3-4 घंटे की धूप मिलती है। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी एक ब्रांच छाया में भी लगा रखी है, बट छाया में फ्रेंड्स ये इतना खूबसूरत निकल के नहीं आया जितना फ्रेंड्स इसको धूप में रखने के बाद निकल के आया है। मैंने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखा है, पर ऐसी जगह रखा है जहाँ पे 5-6 घंटे की इसको आराम से धूप मिलती है। तो इसके जो कलर हैं वो कितने अच्छे निकल के आए हैं। मैं सिर्फ आपको इस कोलियस का जो फ़र्क है छाया में और धूप में रखने का, सिर्फ वो दिखा रही हूँ। कई बार हम सभी भाई बहनों को जहाँ तक पता है कि कोलियस को समर्स में छाया देनी चाहिए, ठंडा वातावरण देना चाहिए, तो वो अच्छे चलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए फ्रेंड्स, धूप में रखने के बाद कितना खूबसूरत निकल के आया है। इसके रंग ही बड़े अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स। मैं आज इसको कई दिन से नोटिस कर रही हूँ अपने गार्डन में कि इसके कलर इतने प्यारे निकल के आ रहे हैं, और ये धूप में रखा है इस वजह से। सिर्फ मैं आपको इसका जो एक प्लांट और है वो छाया में रखा हुआ है, मैं अभी आपको उसको दिखाती हूँ कि वो छाया में रखने की वजह से कैसा है, और ये धूप में रखने की वजह से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसको ऐसी जगह रखा है जहाँ मॉर्निंग और इवनिंग की 1-1.5 घंटे की धूप पड़ती है। तो इसके रंग देख रहे हैं आप कितने फीके फीके हैं, और इसकी जो पत्तियां हैं वो भी लंबी लंबी हैं, कम चौड़ी हैं। तो ये छाया में रखने की वजह से ऐसा हो रहा है। मैंने सोचा छाया में रखने से मेरा ये प्लांट बचा रहेगा। बचा तो है, बट इसके जो कलर हैं वो बहुत ही ज़्यादा धुले धुले लग रहे हैं उसके कंपेरिजन में जो मैंने धूप में रखा है। बर्ड्स की आवाज़ देख रहे हैं कितनी खूबसूरत है। ये छोटी छोटी बर्ड्स हैं फ्रेंड्स जो मेरे गार्डन में बोलती रहती हैं हर समय। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं जिस तरीके से इनका फ़र्क है। मैंने, अगर आपके पास भी कोलियस हैं तो एक आधे कोलियस ऐसी जगह रखें जहाँ पर धूप मिले उनको कंटिन्यू। एक प्लांट और दिखाती हूँ जो छाया में ही है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी छाया का है। इसका कलर नोटिस कीजिए आप, छाया में रखने की वजह से इसके कलर कितने धुले धुले हैं। उस प्लांट से कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसमें, है ना। ये देखिए फ्रेंड्स, एक ये लगा रखा मैंने यहाँ पर, ये भी कटिंग से ही लगाया था, बट इसके भी कलर आपको दिख रहे होंगे, जहाँ तक इसकी लीव्स भी दिख रही होंगी आपको कि किस तरीके से है। खूबसूरत तो लग रहा है, पर उसके कंपैरिजन में उतना खूबसूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, मेरा मन है कि मैं उस कोलियस को जो इसके जैसा है वो मैं थोड़ा सा धूप में रख दूँ। क्यों, डायरेक्ट धूप में तो नहीं रखूँगी, बट ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पर धूप मिले, ज़्यादा हार्ड वाली नहीं, पर इसको धूप मिले कंटिन्यू पूरे दिन की। इस वाले प्लांट पे फ्रेंड्स पूरे दिन की धूप मिलती है, इसलिए इतना खूबसूरत निकल के आया ही। देख रहे हैं, बड़ा प्यारा लग रहा है। मेरी नज़र इस पर अपने आप चली जाती है फ्रेंड्स, इतना खूबसूरत प्लांट है ये, और इस टाइम बहुत अच्छा हो भी रहा है। मैंने इसको ऊपर से पिंच कर दिया था तो काफ़ी सारा हो रहा है और काफ़ी सारा खूबसूरत लग रहा है। मेरे को अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए फ्रेंड्स इनकी सबकी कटिंग लगाए हुए इधर उधर, और काफ़ी सारा हो गया ये। मेरे पास ये 5-6 जगह लगा हुआ है, और बड़ा खूबसूरत 5-6 जगह में सिर्फ एक यही एक प्लांट ऐसा है जो इसके कलर बड़े ब्यूटीफुल निकल के आए हैं और बहुत ही प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कोलियस हैं तो उनको ऐसी जगह रखें जहाँ पर पूरे दिन की मिली जुली धूप मिलती रहे कंटिन्यू। छाया में रखने से फ्रेंड्स इनके जो कलर हैं वो निकल के नहीं आते हैं। तो ट्राई करें मेरी तरह, तो समझ में आएगा कि इनकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये मुझे बता रहे हैं कि हमें धूप भी चाहिए, बिल्कुल छाया में इनके जो कलर हैं वो बदरंग हो जाते हैं और अच्छे नहीं लगते, जिनकी वजह से हम कोलियस लगाते हैं वही इनमें नहीं रहते, जैसे कि इनके कलर और इनकी पत्तियाँ कितनी चौड़ी और खूबसूरत हैं। लग रही है ना बेस्ट? तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये खूबसूरत प्लांट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसके लिए लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लाइक की वैसे भी मुझे बहुत ज़रूरत रहती है, और फ्रेंड्स लाइक के साथ साथ अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि खूबसूरत डिटेल के साथ आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे।
फिर मिलती हूँ आपसे किसी खूबसूरत सी वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।